हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्कियल में जो लास्ट ईयर आपके सिलॉलिज्म के क्वेश्चंस बने थे वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास स्टेटमेंट है सम बनाना आर ऑरेंज एंड ऑल ऑरेंज आर एप्पल। तो सम बनाना आर ऑरेंज एंड ऑल ऑरेंज आर एप्पल। फर्स्ट वन इज फॉल्स बिकॉज स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव केस, फॉल्स इट मीन्स कांट से, और कांट से की कंडीशंस को हम लोग फॉल्स में ले लेते हैं। सम ऑरेंज आर बनाना, तो सम बनाना ऑरेंज है तो सम ऑरेंज भी बनाना हो जाएगा। सेकेंड वन इज ट्रू, दैट्स वाई योर आंसर इज इफ ओनली कॉन्क्लूजन सेकेंड इज ट्रू। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे। ओनली अ फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ, ओनली अ फ्यू मीन्स क्या होता है कि सम ईस्ट आर नॉर्थ एंड सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ, ठीक है, एंड फ्यू नॉर्थ आर साउथ, फ्यू नॉर्थ आर साउथ एंड ऑल साउथ आर वेस्ट, ऑल साउथ आर वेस्ट, वेरी गुड। फर्स्ट सम ईस्ट आर वेस्ट, सम ईस्ट आर वेस्ट फॉल्स, जब सेकेंड फॉल्स हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के अलग अलग है तो बोथ फॉलो हो नहीं सकता, इधर और हो नहीं सकता, ओनली सेकेंड हो नहीं सकता। तो अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, तो यहाँ पे आप फर्स्ट और फोर्थ में से एक चूज कर सकते हो अगर आप तुक्का मार रहे हो। हालांकि बैंक के एग्जाम में तो तुक्का नहीं मारना चाहिए, बट अब आपके पास डाउटफुल वाली कंडीशन सिर्फ दो ऑप्शन के साथ है। नाउ ऑल द ईस्ट बिंग नॉर्थ इज अ पॉसिबल, तो सम नॉट का कीड़ा जो है वो ईस्ट को काटा है नॉर्थ के साथ, तो वो कभी नॉर्थ में नहीं जा सकता, यानी फर्स्ट फॉलो भी नहीं होगा। तो दैट्स वाई योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज फॉलो। नाउ इट्स योर टर्न, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन एंड प्लीज कमेंट योर आंसर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, all the best.